हिमाचल में इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं में अहम 108 और 102 एम्बुलेंस की सेवा ठप है। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। ऐसे में सुबह की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने गाड़ी खड़ी कर शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अरसे से एम्बुलेंस सेवा कंपनी और सरकार ने उनकी मांगों को सिरे से दरकिनार किया है। इनकी मांग है कि कंपनी से निकाले गए 150 कर्मियों को वापस लिया जाए, ओवर टाइम खत्म किया जाए और ईपीएफ का काम भी पूरा किया जाए। हमारी तीन डिमांडें थी जो सरकार ने अपने आप बोला था कि हमें तीन डिमांडें दीजिए जो हम पूरी करवाएंगे, और हमने उनको तीन डिमांडें दी थी। पहली डिमांड थी हमारी कि जितने भी हमारे कर्मचारी है जो सरकार द्वारा ट्रेंड किए हुए, सरकार के खर्चे पे ट्रेंड हुए, उन लोगों को जो है बिना किसी कारण से निकाला गया उनको दोबारा वापस रखा जाए। और दूसरी डिमांड थी हमारी कि जितने भी हमारे कर्मचारी है वो सारे के सारे पिछले 2010 से लेकर के कार्य कर रहे हैं और उनका जो है ओटी बनता है 2 घंटे का, और इंक्रीमेंट पिछले 5 सालों से किसी भी कर्मचारी की नहीं लगी है, और ये जो और बाकी के जो है ईएलपीएल का जो पैसा था वो टीएडीए का, वो सारा का सारा जो है हमें मिलना चाहिए था। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है उसके हिसाब से ये चला रहे हैं, तो वो ये जाने, मगर हमारी तरफ से पूरी की पूरी गाड़ियां बंद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को पैनिक नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस संचालित करने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है। वैसे भी सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देखिए, वो मामला उनका वो एक निजी कंपनी के साथ चला हुआ है और हमने उसके लिए अब जो है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए आदेश कर दिए हैं। अगर वो वापिस लेते हैं तो उचित है, हड़ताल नहीं लेते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार जो है लोगों को राहत दें। सरकार के मिजाज से लग रहा है कि वह आसानी से हड़ताल के आगे घुटने टेकने वाली नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था का तुरंत इंतजाम कर दिया गया है। शिमला से पीचंद की रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।